नमस्कार। आज मैं आपको एक एडवेंचरस टूर पर ले चलता हूँ। ये जो है हमारे भारतवर्ष में इतने किले हैं, हर राज्य में किले हैं, कहीं पर दो, कहीं पर चार, कहीं पर छः, और समझिए उन किलों से जो है किलों की भरमार है। और किले इसलिए बनाते थे राजा महाराजा कि वहाँ पर वो अपने सैनिकों को सुरक्षित रख सके और अपने परिवार को, अपने शहर के नागरिकों को। तो किले बहुत ही बड़े बड़े बनाए जाते थे, उसमें सालों के हिसाब से रसद भी रखी रहती थी जिससे भुखमरी ना हो कोई। तो मैं जो आपको एडवेंचर टूर पर ले चलता हूँ, ये कुछ 5 लड़कों की कहानी है जो कि बिहार के थे और उनको एक जुनून था प्राचीन किलों के अंदर जाके खजाने की खोज करना। उन्होंने पैसा वैसा खर्च करके मेटल डिटेक्टर भी खरीद लिया और रस्सी वस्सी और थोड़ा कुदाल थोड़ा जो भी यूज़ होता है खोदने में ज़मीन, वो सब सारी चीज़ें कर ली, बोरियाँ ये सब इकट्ठा कर ली। चूँकि बिहार के थे तो सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला रोहतास के पास, रोहतास नगर के पास सासाराम में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, बहुत ऊंचाई पर। ये दिखता नहीं है क्योंकि जो है एक तो ये ऊपर से यदि देखा जाए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से, ये चरण आदमियों का जो चरण होता है, मतलब पैर जिसे कहते हैं, उसकी आकृति जैसा है, इसलिए इसको चरणाकृति भी कहा जाता है, चरणाकृति किला भी कहा जाता है। और इसकी दिखाई इसलिए नहीं पड़ता, इसकी जो चारों तरफ से दीवारें हैं इतनी ऊंची हैं कि कोई दूर से या पास जाके भी नहीं देख सकता। अब ये जो है मैं बता दूं, ये है शेरगढ़ का किला जो कि रोहतास, बिहार के रोहतास के पास जो है सासाराम, सासाराम में कैमूर की पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर ये जो है 1540 से 1547 के बीच में अफगान शासक जिन्होंने मतलब दिल्ली में आक्रमण करके और उसको पराजित करके अपना शासन कर लिया था, शेरशाह सूरी ने इस किले को बनवाया था। और जो है ये इस किला बहुत ही रहस्यमय है, इसमें सैकड़ों सुरंगें हैं, सैकड़ों, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों सुरंगें हैं। एक सुरंग तो इतना मतलब लोग बग जाके देख चुके हैं कि वो वहाँ से चलता है कैमूर की पहाड़ियों से उस किले से और रोहतास के किले तक जाता है। बाकी सुरंगें कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, किस लिए बनवाया गया, बिल्कुल रहस्य है। और इसमें तहखाने बहुत ही बड़े बड़े तहखाने हैं, और कहा यह जाता है कि इतने बड़े बड़े तहखाने हैं कि उसमें 10-10 हज़ार आदमी एक साथ इकट्ठा रहे, मतलब खड़े हो सके। अब सोच लीजिए कितने बड़े होंगे और कितना बड़ा किला होगा, जस्ट इमेजिन। तो ये जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था और ये बहुत ही रहस्यमय है, तहखाने हैं और सैकड़ों की संख्या में सुरंगें हैं। और उन्होंने अपनी जान माल प्रजा की रक्षा और जो है क्या कहते हैं सैनिकों की रक्षा के लिए किला बनवाया था। लेकिन होता क्या है, मुग़ल शासकों ने शेरशाह सूरी को इसी किले के अंदर परिवार सहित मार डाला था। उसके बाद मुग़लों ने इस पर शासन किया
किले को अधिकार में कर लिया। अब ये हुआ पूरा। अब मैं आपको बताऊं कि पांच लड़के, कोई भी नाम रख लीजिए, पांच लड़के सासाराम से, सासाराम के पास किसी गांव में रहने वाले थे और बहुत ही एडवेंचर के शौकीन थे। उनका एडवेंचर क्या था कि वो खजाने की खोज करते थे। बहुत जगह उन्होंने ट्राई मारा, मिला भी, ऐसी बात नहीं मिला। तो उन्होंने उन्हीं पैसों से जो पहले खोद खाद के निकाला, उन्हीं पैसों से उन्होंने मेटल डिटेक्टर खरीद लिया। पांच लोग तैयार हुए किले में जाने के लिए। दोपहर से वो चलते चलते शाम हो गई, किले के अंदर पहुँचे और अपने साथ ये जो खड़िया होती थी चौक, खड़िया से जो है, क्योंकि वहाँ खो ना जाए तो एक अपना निशान बना लेते थे, नाम लिख लेते थे या एरो का निशान लगाते थे, कुछ ऐसे करके। मतलब पूरे बंदोबस्त से आए थे कि उन सुरंगों में। तो जब किले के अंदर किसी तरह से पहुँचे तो वहाँ किले के अंदर जाने के लिए पहले ही मुहाने पर एक सुरंग दिखाई पड़ा। उसी सुरंग से वो किले के अंदर पहुँचे। बहुत बड़ी सुरंग थी। जब खुले जगह पे पहुँचे तो किला उनके सामने था, बहुत ही भव्य बना हुआ, ऊपर भी बना था, नीचे तो खैर तहखाने थे, बहुत सारे सुरंगे थे। तो उन्होंने मेटल डिटेक्टर से सोचा कि आप इन सुरंगों में चला जाए, जितनी दूर तक जा सकते हैं मेटल डिटेक्टर से, यदि कोई तहखाना मिलता है तो उसी तहखाने में चारों तरफ देख लेंगे कहीं मेटल डिटेक्टर ने काम किया। क्योंकि वो ऐसा मेटल डिटेक्टर था कि सोना चांदी सारी चीज़ों को, और या कोई भी हो तो उसको वो बता देता था पीप करके, उसमें लिख के भी आता है कि हाँ सोना है या चांदी है, बहुत ही आधुनिक था। तो और सब बाकी से रस्से उससे मतलब खोदने के लिए, मतलब कुदाल उदाल ये सब सारी चीज़ें लेके वो वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वही सुरंग के रास्ते से अंदर पहुँचे तो देखा वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की, वो भी अपने पीठ पर एक जो पिट्ठू बैग होता वो लादी थी, उसमें कुछ सामान सा था, कैमरा भी था, वो कुछ फ़ोटो ले रही थी और कोई इंस्ट्रूमेंट निकाल के उसमें देख रही थी। शायद वो भी आई थी किला घूमने या खजाने के चक्कर में। इन लोग लंबे लंबे टक भरते हुए उस लड़की के पास पहुँचे और चूँकि वो वहीं, मतलब हम लोग की इंडिया की लग रही थी, बाहर की नहीं थी, उससे पूछा, मैडम आप, शाम होने वाली है, कुछ देर में रात हो जाएगी और आप किले के अंदर अकेले हैं, तो आप, बेहतर होगा कि आप लौट जाइए। उसने कहा नहीं, मैं आज रात भर रुकूंगी इस किले में और मुझको यहाँ पर खजाना ढूंढना। तो पांचों लड़कों ने कहा जय हो भवानी, अरे आप खजाने के चक्कर में आई हैं, हम लोग भी तो आए हैं, चलिए मिलके ढूंढते हैं, नसीब में होगा मिल जाएगा तो हम लोग छह लोग आपस में बांट लेंगे। वो मुस्कुराई और आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे इन लोग भी। फिर उन्होंने अपने बैग से मेटल डिटेक्टर निकाला और जो है सुरंगों से होते हुए तहखाने पहुँचे। बहुत ही बहुत बड़ा तहखाना था, इतना बड़ा तो उन्होंने कमरा तो कभी देखा ही नहीं था। हॉल, एक जो पिक्चर हॉल होता है उससे भी 10 गुना बड़ा। तो जो है वो अपने तहखाने में जाके उन्होंने मेटल डिटेक्टर ऑन किया और उसको चारों तरफ घुमा घुमा के देखने लगे। तो पहले तहखाने में कुछ नहीं मिला, फिर सुरंग से होते दूसरे तहखाने में पहुँचे। अच्छा, वो लड़की के चक्कर में जो चौक लाए थे खड़िया मिट्टी, वो जो है भूल ही गए लगाना कि कहाँ से आए हैं और कैसे निकलेंगे, सब भूल गए। और लड़की तो बिना इन सब बातों के अनजान उन लोगों के साथ साथ चल रही थी बातें करते हुए। और लड़की ने भी अपनी जेब से कुछ छोटा सा इंस्ट्रूमेंट निकाला और
पता नहीं दीवारों में क्या लगा लगा के देखने लगी, और इन लोग मेटल डिटेक्टर से सब फर्श छाने लगे। तो जो है एक जगह पीप हुआ, बस इतनी जगह से खिल गई, उसमें दिखाई पड़ा बीप जो है, मतलब दर्शा रहा था कि यहाँ पर सोना गड़ा हुआ। अब उन्होंने वहाँ शुरू किया, उन्होंने शुरू किया मतलब मेटल डिटेक्टर से, और सब जगह देखा, जहाँ पर ज़्यादा बीप हुआ और सोना ही दिख रहा था वहाँ उन्होंने, लड़की ने भी आके देखा अपना कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कोई था, उससे कहा कि हाँ यहाँ पर है। इन लोग बहुत खुश हुए, और उसमें से एक लड़का बलिश था, उसने जो है फड़वा निकाला और उसको हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब बीप होने लगा और सोने की वो हुई, तो उन्होंने अपना सब खोदने वाले सब चीज़ निकाली, और एक बलिश लड़का था उसने है ना भगवान का नाम लिया और जोर से मारा उस पर। तो जो है ऊपर की जो फर्श थी वो उसके ऊपर जो कुछ भी फर्श था वो जो अलग हो गया, और फिर उसको निकाला, और निकालने के बाद अपने मेटल डिटेक्टर में देखा, तो देखा करीब 4 फुट की गहराई में सोना दिखा रहा था। बस उनके होश गवा बैठे कि सोना ही सोना है, 4 फुट खोदना कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे लड़के हैं थोड़ी थोड़ी देर में सब लोग खोद लेंगे तो 4 फुट खुल जाएगा। लड़की भी मुस्कुराने लगी और जो है खड़े खड़े अपने इंस्ट्रूमेंट से कुछ देख रही थी और कुछ नोट भी कर रही थी, कौन थी क्या था ये सब वो पूछना ही भूल गए। लड़की की खूबसूरती में इतना खो गए कि बाहर निकलने का निशान भी लगाना भूल गए, और जो है क्या कहते हैं उसका नाम पता चला डाकखाना भी भूल गए। फिर उन्होंने जो है करीब 3.5-4 फुट खोदा, तो देखते क्या है कि एक देगची बड़ी वाली वो है, और जैसे देगची खोली उसमें से भलभला के सांप बिच्छू सब निकलने लगे। इन लोग सब पीछे हट गए कि सांप काट ना ले, सांप रेंगते रेंगते उसी विशाल तहखाने में इधर उधर चले गए। फिर उन्होंने टॉर्च की रोशनी से देखा उसमें, तो सच में वो सोने की चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा था। बस उन्होंने अपनी अपनी बोरियां निकाली और उसको निकालने लगे। लड़की ने कहा ऐसे नहीं, मैं कुछ करती हूँ तब इसको निकालना, नहीं तो ये सांप फिर से आके आक्रमण करेंगे। फिर लड़की ने क्या किया वो तो आप लोग जो है सोच भी नहीं सकते। वो लड़की झुकी और उसने पूरा पूरा देगची उठा लिया अकेले ही, शायद वो 60-70 किलो का तो हो गई, उन्हें सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ, उसको निकाला और निकाल के हवा की गति से भागने लगी। लड़के इनके पीछे 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 दौड़ने लगे, और जो है वो लड़की जो है इतनी तेज सुरंगों में से इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन लड़कों ने पीछा नहीं छोड़ा। और एक जगह लड़की ने पलट के जो देखा इनके होश उड़ गए, चुड़ैल भयानक काले बाल, बिखरे हुए काले काले बाल, और जो वो लादे थे पिट्ठू बैग वैग या कुछ मॉडर्न लड़की लग रही थी वो कुछ नहीं। अब वो दौड़ी बहुत जोर से और इनकी तरफ, उसके दांत दिख रहे थे, नाखून बड़े बड़े, दौड़ी
और इन लोग जो पांचों इधर उधर हो गए। फिर लड़की थोड़ी देर में गायब, बहुत जोर से चीख हुई और लड़की गायब हो गई। शायद कोई प्रेतात्मा रही होगी, किसी ने उसको भेजा होगा खजाने को निकालने के लिए, और उसने मुफ्ते में खजाना निकाल लिया और लेके चली भी गई। इन लोग टापते रह गए। फिर एक जगह सब इकट्ठा हुए पांचों, बाहर कैसे निकला जाए। समय देखा तो रात के 11 बजे थे। उन्होंने कहा कि अब यदि निकलेंगे तो नीचे कैसे उतरेंगे और कहीं खो ना जाए, चलो इसी हॉल में सोया जाए, सुबह एक बार ट्राई और करेंगे, कहीं शायद और निकल जाए। वो तो गाली दी लड़की को कि कुतिया कहीं की, लेके सब खजाना चली गए। मेहनत हम लोगों ने क्या निकाला, हमने खोजा हमने, अब मुफ्ते में माल में चली गई। और शायद वो जादू टोना जानती थी, तभी जो उसने जो है सांप बिच्छू उसमें से निकलते दिखाई पड़े, और वो इसी मौके का फ़ायदा उठा के उसने उठाया और उठा के भाग गए। तो जो अपने साथ जो खाना वाना लाए थे, खाना वाना खाया, पानी यानी पिया, और वहीं पर ही फर्श पर सो गए। ना कहीं सांप ना कहीं बिच्छू। सुबह सबकी नींद खुलती है, घड़ी में समय देखते हैं तो 8:30-9 बज रहा था। तो इन लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह से इधर इधर सुरंग से उधर सुरंग से होते 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 जिस सुरंग से वो अंदर आए थे उसी सुरंग के मुहाने पर पहुंच गए। भगवान का नाम लिया और बिना सोने चांदी के सिक्कों के बेचारे हाथ मसलते रह गए। और जो है सुरंग से बाहर निकल के, सुरंग से बाहर जब सुरंग में अंदर जाके वे बाहर निकले तो किले के बाहर थे। तो उन्होंने संतोष से सांस ली, कहा कि फिर से कभी ट्राई करेंगे, अब कोई दिल लड़की कोई आदमी दिखाई पड़े तो अपना पार्टनर बनाने के लिए सोचेंगे। और सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, तुम ही उसकी खूबसूरती पर मर गए थे, तुम ही थे तुम ही थे। तो क्या आपस में सब लड़ने लगे, मतलब वाकई लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर जो है सब लोगों ने किस्मत को समझ के और फिर जो है वो वापस नीचे सासाराम में और वहाँ से अपने गाँव की ओर टैक्सी करके चले गए। ये कहानी है। अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि वो लड़की कौन थी। हम लोग के ज्ञान में तांत्रिक लोग कुछ ऐसे शक्तियाँ जानते हैं, वो इन जो है मतलब भूत प्रेत यक्षिणी चुड़ैल चुड़ैल इन लोगों से जो है किसी का खजाना किसी की तिजोरी में ऊपर रखें उनको निकलवा लेते हैं। और क्योंकि वो इनके वश में होते हैं होती हैं तो वो वहीं से निकाल के देती हैं। और उसके बाद जो है ये हुआ एक मतलब शेरगढ़ का किला, उसमें दबे खजाने को निकाला, लेकिन वो रहस्यमय लड़की उस पूरी पूरी देख भरी हुई थी सोने चांदी सिक्कों से, उसको लेके भाग गई। फिर उसको कभी नहीं मिली। उन लोग ने करीब 3-4 बार और ट्राई किया, कहीं नहीं मिला। फिर मन मार के उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। आपको एक कहानी कैसी लगी? ये एडवेंचर्स कहानी थी और 5 लोगों की कहानी थी, लेकिन नाकाम सिद्ध हुई खजाने खोजने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा लालच करना बुरी बला होती है, ठीक है ना। लालच ही की थी, यदि वो लड़की के चक्कर ना पड़ते तो शायद खजाना उनके हाथ में आता, पूरे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी तक काम आता। नमस्कार, जय हिंद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, 16,000 से करीब करीब 16,000 से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन जो है व्यूज़ में वही 40-50-30-60-70 बड़ी मुश्किल से घिसट करके पहुँच रहे। प्लीज़ प्लीज़ ज़रा सा मेरी उम्र का ख्याल करिए।
और व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे जैसे मुझको मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरियाँ आपको सुनाते हैं। ये शेर शाह सूरी का अनुवाया शेरघर किले का रास्ता। तो मैं आपको अब से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।